बीते 24 घंटों में कोरोना के लगभग 27,000 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 3.5 लाख से हुए पार। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स डे की बधाई देते हुए बोले, पृथ्वी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए धन्यवाद। आज है महान क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का 131वीं जयंती। विदेश में रहते हुए भी उन्होंने लड़ी थी देश की लड़ाई। आज देश भर में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसके लिए मनाया जाता है यह दिवस। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत रामायण महाकाव्य पर बनने वाली आगामी पीरियड ड्रामा फिल्म द इनकॉर्नेशन में देवी सीता की निभाएंगी भूमिका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू का कहर, अब तक लगभग 100 केस सामने आए। हैदराबाद में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पी राजू की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम किया गया घोषित। गुजरात में बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाकों से लगभग 8,000 लोगों को निकाला गया, अब तक गई केवल 5 लोगों की जान। एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुटनिक वी की सिंगल डोज वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की सिफारिश की। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो चुकी है। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि गलत काम करने वालों के को मारे जाएंगे पत्थर और काटे जाएंगे हाथ।